एवरीवन, कैसे हैं सब? जैसे कि आप लोगों को पता है, आज एसबीआई क्लर्क का स्टार्ट हो गया है पेपर, और आज पहली शिफ्ट अभी हुई है, अभी 10 बजे ख़त्म हुई है। और मैं 10 मिनट 15 मिनट में ही, मेरे को जो एनालिसिस थे, क्योंकि इस शिफ्ट में काफ़ी सारे मेरे नॉन फ्रेंड्स थे जिनका पेपर था, तो उन लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, पेपर किस तरह से आया है, किस तरह से नहीं। इन लोगों का रिव्यू इसलिए मैं सही समझूंगा क्योंकि ये लोगों को मैंने अपने साथ ही प्रिपरेशन करते देखा है, मुझे इनके पूरे स्किल्स का आइडिया है। तो मैं आपको सही एनालिसिस दूंगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है और पेपर किस तरह से आ रहा है, अटेम्प्ट किस तरह से करें या किस तरह से नहीं, किन चीज़ों में को अवॉइड करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ ही। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अभी आज शिफ्ट 1 हुई है, हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है, उसमें सबको पता है कि पेपर 100 मार्क्स का है, 3 सेक्शंस आ रही हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। 20-20 मिनट का टाइमर है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वांट के 35, ये सबको पता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसका एक कंप्लीट एनालिसिस कि पेपर को करना किस तरह से और आपका गुड अटेम्प्ट कितना है अगर आप ये करके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहीं। सबसे पहली सेक्शन जो पेपर में आई है वो आई है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में आपको बता दूँ जो पेपर में चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ आई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्कूल में किस तरह से यूज़ होती है। जिन लोगों ने अभी जेके बैंक एसोसिएट का पेपर दिया था उनको बता दूं कि उससे उसमें तो डायरेक्ट इजी सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था पेपर में, करना आसान था। जिन्होंने एफसीआई का दिया उनको भी आइडिया होगा कि थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था इतना टफ नहीं था, पीओ लेवल का नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से रीड करना पड़ रहा था पेपर से पहले। मतलब पेपर में उसको पढ़ना पड़ रहा था क्वेश्चंस के बाद भी कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे, उनमें भी इतना ज़्यादा टफ नहीं थे। जिन्होंने थोड़े से भी ग्रामेटिकल रूल्स सारे पढ़े हैं उनके लिए इजी था ये सेक्शन में ये पार्ट अटेम्प्ट करना। स्पेलिंग मिस्टेक आए थे जिसमें जो मैंने वीडियो में भी आपको करवाया कि जो गलत स्पेलिंग होते हैं उसे फाइंड आउट करना है, ज़्यादा टफ नहीं था। एक दो में था जिनमें कन्फ्यूजन हुई है बच्चों को, लेकिन ईजी था। और उसके साथ साथ आए सिंगल फिलर जो कि बहुत ईजी थे, वो बाकी पेपरों के लेवल के ही थे। सिंगल लाइन में दिया था और ऑप्शन से ही पता चल रहा था कौन सा होगा कौन सा नहीं। इंग्लिश सेक्शन में कुछ इससे ज़्यादा टफ आया नहीं है। अब मैं आपको बता दूंगी, इंग्लिश सेक्शन में 20 मिनट का टाइमर था आपके पास कि 20 मिनट में आपको पेपर करना है आराम से विद एक्यूरेसी। यहाँ पे 20+ हर कोई करके आ सकता था, इस लेवल का पेपर ये आया हुआ है। इतना ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं था, बस इसमें ये था कि आप लोगों ने कितनी अपनी रीडिंग हैबिट बनाई है। जिनको मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि जो हमारे साथ जनवरी से जुड़े हैं, मेरे को भी उन लोगों से भी मैंने पूछा जिन्होंने स्टार्ट ही प्रिपरेशन तब की थी जो एग्ज़ाम हमारा था उसके बाद, और उन लोगों ने भी पेपर में 25+ अटैम्प्ट किए हैं। बहुत अच्छी बात है ये, उन लोगों ने अटैम्प्ट अपने इम्प्रूव किए हैं टाइम के साथ। इंग्लिश सेक्शन की तो बात आ गई, ये कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। बात करते हैं दूसरी सेक्शन जो पेपर में थी, वो थी हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग का आपको बता दूं, सिलॉगिज्म आए हुए थे 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के सिलॉगिज्म में आपको ओनली फ्यू के केसेस भी दिखे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था लास्ट मिनट टिप्स में, कि पेपर में इस बार ये आएगा क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। जेके बैंक में भी आया था, एफसीआई के पेपर में भी ये चीज़ें पूछी गई थी। इनइक्वालिटी ही आई थी 5 मार्क्स की। जिन लोगों को मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि बिना टाइम वेस्ट किए वो लोग 30 से 40 सेकंड में 5 के 5 क्वेश्चंस कर आए हैं पेपर में। उसके साथ साथ बात करते हैं पजल्स की। इसके साथ ही आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आई थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का भी लेक्चर बना हुआ था। मैंने आपको कल ही वीडियो में कहा था कि इसको रिवाइज करके जाएँ क्योंकि ये 5 मार्क्स का आएगा और बहुत ईजी सा टॉपिक था। इनके साथ साथ पेपर में जो चीज़ें आई थी वो आई थी आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट आई थी, जिसमें सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, 5 मार्क्स की बेसिक सी थी। उसके साथ पैरेलल रो वाले क्वेश्चन आए थे पेपर में, जिसमें 10 लोग थे, 5 साउथ नॉर्थ फेसिंग और 5 साउथ फेसिंग। थोड़ा सा ध्यान से करना था, इतनी टफ नहीं थी, इजीली हो रही थी। और एक आई थी हमें पेपर में अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, अनसर्टेन बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, लीनियर थी ये वाली पजल। तो इसमें भी ये था कि अगर आपने प्रैक्टिस की है आराम से करेंगे तो ये वाली पजल भी हो जाएगी। सबने करी नहीं है लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इस पजल में फंसे भी हैं पेपर में। उसके साथ साथ जो पेपर में बाकी क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्शन के आए हैं, और एक आए थे आपको डायरेक्शन के साथ साथ आपको क्वेश्चन आए हैं जो कंपैरिजन बेस्ड होते थे कि ए इतना ज़्यादा है, 5 लोग हैं, ए अगर बी और सी से इतना ज़्यादा है। तो कंपैरिजन बेस्ड पजल्स हमने ये किए हैं, 3 मार्क्स, 2-3 मार्क्स की ये थी।
ओवरऑल सेक्शन इजी थी, इस सेक्शन में इतना कुछ था नहीं। जो लोग पजल्स में नहीं फंसे वो लोग सब इसमें 20+, तो आप मान के चलें कि आराम से अटेम्प्ट होते थे। अगर आपके अटेम्प्ट 25 हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके अटेम्प्ट 30 हैं या 30+ हैं तो आप इस सेक्शन में बहुत अच्छा करके आए हैं। 20+ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर कोई करके आएगा पेपर में, जो पेपर देने गया था। इतना ईजी था ये, कोई ज़्यादा लेवल का नहीं था। बात करते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट सेक्शन की, जो थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बता दूं कि आमतौर पे जो क्लर्क के पेपर होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है पेपर में, क्लर्क के पेपर में। 5 मार्क्स की बेसिक थी, ज़्यादा कोई हाई लेवल था नहीं। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आई है हमारी 10 मार्क्स की, 15 मार्क्स तो आपके यहीं से हो जाएंगे। उसके साथ साथ डीआई आई है हमें पेपर में, टेबुलर डीआई आई है। कुछ उसमें थोड़े सी कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन थे 5 मार्क्स का, हमें ये भी पेपर में पूछा गया है। बार ग्राफ था, सॉरी उसमें टेबुलर नहीं था, बार ग्राफ था। उसके साथ साथ नंबर सीरीज आई है, मिसिंग मिसिंग वाली पूछी गई है 5 मार्क्स की। 3 क्वेश्चन 4 तो इसमें सीधा सीधा बन रहे थे लॉजिक डिफरेंस निकाल के। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ें थी पेपर में वो था मिसलेनियस। मिसलेनियस के क्वेश्चन हमें जो पेपर में पूछे गए हैं वो 10 थे। आप अगर पेपर में इन 10 में से 3 से 4 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका पेपर में। टोटल अटेम्प्ट मैं इस सेक्शन का भी 20 से 25 तक बोलूँगा कि अगर आप करके आए तो बहुत ज़्यादा है। अब एक ओवरऑल एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ इस शिफ्ट का। अब बात करते हैं ओवरऑल ये शिफ्ट क्या थी और इस शिफ्ट में टोटल कट ऑफ क्या जा सकता है और सेफ अटेम्प्ट क्या था। 3 सेक्शन आपको मैंने बताई, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। इंग्लिश में आपका अटेम्प्ट अगर 25+ है तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग में भी आपका अटेम्प्ट अगर 20 से 25 है तो आप मान के चल सकते हैं वो बहुत अच्छा है। क्वांट सेक्शन में भी 20+ आपका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो 70 to 75 अगर आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो ये अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा कंसिडर किया जाएगा इस शिफ्ट में। लेकिन ये पहली शिफ्ट थी तो कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होगी। दूसरी शिफ्ट वालों को मैं बता दूंगी। अब आप मान के चले जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है उनको रॉन्ग नंबर सीरीज पेपर में पूछी जाएगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने 1.5-2 साल पेपर दिए हैं उसके कंपैरिजन में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाएगी। हो सकता है पजल सेम पूछी जाए या फिर आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके फ्लोर बेस्ड पजल आ जाए या जो, वो चांसेस अलग रहे। इंग्लिश का लेवल सेम रहेगा, हो सकता है कि पैटर्न सेम रहे लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ जाए बाद वाली शिफ्ट में। तो अभी के लिए 70-75 आपका अटेम्प्ट अगर है तो सेफ अटेम्प्ट है। जो लोग स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला दे रहे हैं कश्मीर और श्रीनगर से, उनको बता दूं आपके लिए 55 to 65 सेफ अटेम्प्ट है इसके लिए, क्योंकि उस रिक्रूटमेंट में सिर्फ JNK के लोग ही दे सकते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं उनको बता दूं 70 to 75 इस शिफ्ट में सेफ अटेम्प्ट है। लेकिन सिलेक्शन, इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो आप लगा के चले कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, क्योंकि शिफ्ट बढ़ेगी, हो सकता है लेवल बढ़े या हो सकता है लेवल कम हो जाए। तो पहले पेपर की पहली शिफ्ट का एनालिसिस यही है। मैं कोशिश करूँगा सारी शिफ्ट के एनालिसिस आपको दूँ। तो जिनका बाद की शिफ्ट का है वो ये मत सोचें कि पहली शिफ्ट का अगर 70-75 है तो आपको भी उतना ही लेके आना है। आप कोशिश ये करें सिर्फ कि आप इम्प्रूव करें। पेपर हो सकता है टफ आए अब आपकी शिफ्ट में, तो कोशिश करें कि अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करें। बाद वाले लोगों को नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते हैं अगर टफ आएगी तो ऑल द बेस्ट सबको। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।